appreciate this teamwork, which is doing a wonderful job. It's Chinese. It's a combination of Chinese company and FWO. I'm sure it's a wonderful combination, and this combination will certainly deliver this project on time. But I will still insist and persist that please go into the timelines again and see where we can cut corners, and if we can advance this date from 2029 to, let's say, 2026. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दयामीर भाषा डैम 2026 तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। उन्होंने डैम के दौरे के दौरान जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, दयामीर भाषा डैम पर काम करने वाली पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों ने गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। ये डैम मुईशत के लिए बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। हमें तवानाई के बड़े मनसूबों के बारे में भी सोचना होगा। हमारी फसलों को बड़े पैमाने पर फराहमी आपकी जरूरत है। तवानाई समेत तमाम बैन अल-अक़वामी सरमायाकारों की हौसला अफजाई करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मशीर एहतसाब शहजाद अकबर इस्लामाबाद से दुबई रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक साबिक मशीर एहतसाब शहजाद अकबर एमिरेट से एयरलाइन की परवाज EK615 के जरिए दुबई रवाना हुए। शहजाद अकबर का नाम चंद दिन पहले FIA ने स्टॉप लिस्ट में शामिल किया था। शहजाद अकबर का नाम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकाम पर स्टॉप लिस्ट से निकाला गया। हमजा शहबाज की बतौर वजीर आला पंजाब कामयाबी का मरासला जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन गवर्नर हाउस को मौसूल हो गया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने मुतालिका इदारों को इंतखाबी नतायज से मुतालिक मरासला जारी कर दिया। गवर्नर हाउस को भी वजीर आला के इंतखाबी नतायज से आगाह कर दिया गया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हलफ बरदारी आज होगी। नौ मुंतखब वजीर आला हमजा शहबाज गवर्नर हाउस में हलफ उठाएंगे। हलफ बरदारी की तकरीब आज रात 8 बजे गवर्नर हाउस में होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हमजा शहबाज का इंतखाब जाली, वजीर आला का इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं हुआ। जब कुछ हुआ ही नहीं तो नोटिफिकेशन कैसा। उनकी जानिब से ऐवान में तशद्दुद के वाके पर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त भी जमा करा दी गई। हमजा शहबाज के वजीर आला पंजाब के मुंतखब होने और असम्बली में हंगामा आरई में जख्मी होने वाले चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि राना मशहूद के कहने पर एकदम सारे आ गए, मेरा बाजू तोड़ दिया गया। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा कि पंजाब असम्बली में वजीर आला के इलेक्शन के दौरान हंगामा आरई की सख्त मुजम्मत करते हैं। उन्होंने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली से इलेक्शन कार्रवाई की रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना था कि पार्लियामान का तकद्दुस और आइन का तहफ्फुज़ असम्बली मेंबरान की जिम्मेदारी है। याद रहे कि पंजाब असम्बली में गुज़श्ता रोज़ हंगामा आरई के दौरान चौधरी परवेज इलाही जख्मी हो गए थे। पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दी के मामले पर पाकिस्तान ने अफगान नाज़िम उल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके चेक पोस्ट पर बढ़ते हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के बयान में कहा, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाया जा रहा है। दहशतगर्द अफगान सरजमीन को पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कल अदम दहशतगर्द जत्थे पाकिस्तान की सरहदी हिफाजतों चौकियों पर हमले कर रहे हैं। नून लीगी रहनुमा राना मशहूद ने कहा कि आप अपनी मर्जी के फैसले आवाम पर मुसल्लत करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। कल PTI और परवेज इलाही का असल चेहरा कौम ने देख लिया। कल जो पंजाब असम्बली में किया गया जमहूरियत पर बदतरीन धब्बा है। हमने सेनेट इलेक्शन में नतायज को तस्लीम किया। राना मशहूद की मीडिया से गुफ्तगू।
कौमी असम्बली के हलका 33 हंगू में जिमनी इलेक्शन के दौरान पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा, जिसके दौरान 3 लाख से ज्यादा वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। ANP, JUI और PTI के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मतवक्के है। और महकमा मौसमियात ने आज मुल्क भर में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में रात को बादल बरसने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आज सिंध में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई की है। नवाबशाह, मिठी, दादू और दीगर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज मौसम गर्म रहने की तवक्को है।